नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। अब बच्चे को गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना जरूरी नहीं है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दंपति के मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही बताया कि कोई सिंगल पेरेंट्स भी बच्चा गोद ले सकते हैं और गोद लेने की प्रक्रिया में शादी को रजिस्टर कराने की भी आवश्यकता नहीं है। आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, आइए आपको बताते हैं। एक ट्रांसजेंडर ने 2000 में एक पुरुष से शादी की थी। शादी के बाद कपल ने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और गोद लेने की प्रक्रिया में उन्हें बताया गया कि उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला दिया गया। इसके बाद कपल ने दिसंबर 2021 में वाराणसी में हिंदू विवाह के सब रजिस्ट्रार के पास मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया था, लेकिन ट्रांसजेंडर से शादी होने के कारण रजिस्ट्रेशन में परेशानी हुई। इस पर दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट में जस्टिस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1965 की धारा 7 और 8 के अनुसार बच्चा एडॉप्ट करने के लिए शादी या शादी के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं क्या कहता है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। जब किसी हिंदू के द्वारा बच्चे को गोद लिया जाता है तो हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा किसी बच्चे को गोद लेते वक्त इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अगर किया जाता है तो वो दत्तक ग्रहण शून्य होगा। दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 7 जो ये बताती है कि कब एक हिंदू पुरुष बच्चे को गोद लेने में सक्षम होगा, हिंदू पुरुष द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कौन सी सक्षमता का होना अनिवार्य है। व्यस्त पुरुष होना चाहिए, पुरुष की मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए, यदि पत्नी जीवित है तो बच्चे को गोद लेने से पहले पत्नी की सहमति अनिवार्य है। यदि पत्नी ने पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया हो या हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपना लिया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा पत्नी के संबंध में ये घोषित कर दिया गया है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और इन परिस्थितियों में पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है। दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 जो कि ये बताती है कि कब एक हिंदू महिला बच्चे को गोद लेने में सक्षम होगी, हिंदू महिला द्वारा बच्चे को गोद लेने में कौन से सक्षमता का होना अनिवार्य है। व्यस्त महिला होनी चाहिए, महिला की मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए, दत्तक ग्रहण द्वारा पुत्र व पुत्री को लेने में सक्षमता का होना अनिवार्य है, यदि पति जीवित है तो उसकी सहमति पर ही वह किसी पुत्र व पुत्री को गोद ले सकेगी, यदि पति ने पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया हो या अंतिम रूप से संसार को त्याग दिया हो या हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लिया हो, सक्षम न्यायालय द्वारा उसके संबंध में यह घोषित कर दिया गया हो कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इन परिस्थितियों में पति की सहमति आवश्यक नहीं है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.baatenupi.com पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।